देश का सबसे अमीर शहर, एशिया के सबसे अमीर महानगर पालिका यानी BMC के अंतर्गत आने वाले मुंबई शहर में एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोग आज भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा क्षेत्र के धरावी इलाके में 7 सालों से पानी की गंभीर समस्या है। धरावी इलाके में रहने वाले लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि पानी नहीं तो हम लोकसभा चुनाव में वोट नहीं देंगे। आर्थिक राजधानी मुंबई की यह तस्वीर परेशान करने वाली है। धरावी इलाके की आबादी 7 से 10 लाख की है। ऐसे में यहां रहने वाले स्थानीय लोग गंभीर समस्या झेल रहे हैं। धरावी के ढोररवाड़ा, सोशल नगर, शताब्दी नगर, PMG कॉलोनी, ट्रांजिट कैंप, कुमारवाड़ा में पानी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पानी का बिल हम भरते हैं, लेकिन यहाँ अवैध पानी लाइन है, नल में पानी नहीं है, और अगर गलती से कुछ मिनट के लिए पानी आता भी है तो वह गंदगी से भरा रहता है। देखिए हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला की खास रिपोर्ट। देश भर में लोकसभा का चुनाव का माहौल है, ऐसे में हम महाराष्ट्र मुंबई के साउथ सेंट्रल इलाके में हैं। यहाँ पर जो है राहुल शिवाले सांसद रह चुके हैं, अब उद्धव गुट से अनिल देसाई भी इस वक्त नॉमिनेशन भर चुके हैं, कैंडिडेट हैं। और इस लोकसभा चुनाव के बीच में हम धरावी इलाके में हैं जहाँ पर यहाँ पर पानी की समस्या है। एक तरफ गर्मी है और एक तरफ राजनीतिक गर्माहट है, और ऐसे में जब हम देखते हैं मुंबई के धरावी इलाके में जब पानी की समस्या है और यहाँ के लोगों की क्या राय है वो हम आपको दिखाएंगे। जुड़े रहिए N24 के साथ। देखिए ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये पानी की बोतल है। ये सुबह में जो गंदा पानी आता है 6:25 को जब BMC पानी छोड़ती है तो ये पानी गंदा आता है। उसके बाद 6:40 को साफ पानी जो आता है, 7 में 10 कम को पानी चला जाता है। 7 में 10 कम को जो पानी जाता है तो उसके बाद पानी का यहाँ पता ही नहीं है। पानी आता है 10:40 में। और ये समस्या को लेके हमने आज से 2-2.5 साल पहले आंदोलन भी किया था, मोर्चा निकाला था, विशाल मोर्चा। उसके बाद BMC ने ये समस्या को हल करने के लिए यहाँ से 6 की बूस्टर की लाइन दी थी कि ट्रांजिट कैंप ब्लॉक नंबर 4 MG रोड विजयनगर की ये समस्या का हल का निवारण निकले, पर कोई भी इसके बाद भी समस्या का हल नहीं निकला। क्यों? यहाँ पे जो पानी माफिया है वो इतना इस तरीके से सक्रिय है कि उनकी BMC से पूरी साठगांठ है। 17-18 एक एक दिन में लाइन मार के 50-50 हज़ार रुपये में लाइन बेचते हैं लोग। जो BMC में हम जैसे लोग जो मीटर का कनेक्शन वापर रहे उनको बिल्कुल पानी नहीं है। तो ये बच्चा गंदा पानी जो पीते हैं, बच्चे भी बीमार होते हैं। यहाँ पर आप जो बीमारी का रेशो देखो, आप कोई भी दवाखाने में आके देखो आपको पूरे दवाखाने भरे पड़े मिलेंगे। आप कोई भी डॉक्टर से आप इधर आके आप एक इंटरव्यू ले लो, आपको बताएंगे इधर बीमारी का स्तर कई हद से ज़्यादा है। और यहाँ पे 3-4 माफिया है जिसकी जानकारी पूरा BMC को भी है, पुलिस को भी है, पर ये काम करने को बिल्कुल तैयार नहीं है क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है। क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर इतना है इनके ऊपर कि ये काम करने को तैयार ही नहीं है। अभी बीच में जब बहुत सख्ती किया था हम लोगों ने कि इनको मोर्चे का, हमने जब धमकी दिया था कि हम मोर्चा लाएंगे, तो इन लोगों ने उसी टाइम में चोरी की लाइन को काटना चालू किया था और एक दिन के अंदर 100-100 लाइन काट रहे थे इन लोग जो चोरी की इलीगल कनेक्शन होते हैं। हमने बात किया यहाँ पे, बोले कि 7-8 साल से ये समस्या अभी भी है पानी। हाँ, अभी तक ये समस्या का कोई निकला ही नहीं, मतलब जो मीटर के जो कनेक्शन जो पब्लिक ले चुकी है उसमें तो पानी आता ही नहीं है और उनको ठोकम था कि बिल भेज रहे हैं। लोकसभा का इलेक्शन है, ऐसे में नेता यहाँ पर आते हैं, वादे करते हैं लेकिन पूरे नहीं हो रहे। अभी 10 साल यहाँ पे राहुल शेवाले खासदार है, MLA वर्षाताई गायकवाड़ है, PM जगदीश है, इन्होंने भी बहुत प्रयास किया है, पर ये जो एरिया है जिस जगह में हम रह रहे यहाँ पे पॉलिटिकल की आपस की ना इत्तेफाकियाँ इतनी है कि इसमें जो पब्लिक पीस रही है। कहीं भी यहाँ पानी नहीं आता, धारावी में हर इंसान पानी के लिए परेशान है। BMC का नल हो या सरकारी नल हो, पानी आता नहीं है। सब अंडा कलची ले लेके इधर उधर भागते हैं। क्या फायदा है, इधर नल के नहीं है, पानी नहीं है तो क्या करेगा इंसान? धारावी में रह के क्या करेगा? वोट डालने का टाइम तुम आओगे भाई, हाथ जोड़ रहे, पैर जोड़ रहे, तुमको ये करके देंगे, तुमको वो करके देंगे। कुछ वोट डाल देने के बाद भूल जाते, सामने और कोई नहीं आते। BMC तो बोलती है हम पानी देते हैं। BMC कहा है कि पानी, हम 10 बार BMC ऑफिस जाके आए, हमारे पास 500 लीटर BMC का पड़ा है, कोई पानी नहीं दे रहा है, पानी नहीं आ रहा है। तो क्या इस बार आप वोट करने वाली हैं? वोट करने वाले हैं? नहीं करेंगे। क्यों वोट नहीं यार, मतलब ऐसा करेंगे, गटर साफ नहीं करेंगे तो वोट कैसे?
पैसा देंगे, नहीं देंगे वोट किसी को भी, नहीं देने वाले हम लोग। क्या घर में पूरा साफ नहीं करते हमारा घर में पूरा छुपा करते पूरा गंदा कर रहा, पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आता है, नहीं आ रहा मेरा कुछ बड़ी भाड़ा भरते हैं हम लोग, पानी नहीं आता तो क्या करेगा। कितने सालों से पानी नहीं आ रहा है? अभी दो तीन महीने से पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं है, नल का नल सूख गया उधर ही, और दूसरा चोरी का नल था, दूसरा नल की दाल के सब लोग ले रहे हैं, तो हम लोग को पानी नहीं मिलता है, किसी भरेंगे हम लोग पानी वोट डालने तक देंगे, वोट डालने तक तो वही वोट डाले तुम लोग पानी दे देंगे, फिर बाद में वोट दे तो पानी बंद करके रखेंगे, ऐसा है क्या? पानी की तकलीफ तो बोल दी थी हमको, हाँ फोन करिए तो बोलेंगे बढ़ाते प्रेशर बढ़ाते यही बोलते रहते हैं, हाँ कैसे करेंगे। तो आपने बीएमसी के पास आपके जाके तो करते हम लोग हमेशा हमको पानी जब नहीं आते जब फोन करते रहते हैं गंदा पानी आया बोलते अरे हम क्या करेंगे पानी तो ऐसे आते रहते काम चालू इधर काम चालू उधर काम चालू ऐसे बोलते रहते हैं। कुछ फ़ोन करते हैं जो भी इधर का है इलेक्शन में जीते हैं तो वो बोलते हैं हाँ आंटी हम देखेंगे देखते हैं पानी का, तो टाइम भी बढ़ाते हैं बोले तो टाइम तो बढ़ा है लेकिन बीच में पानी चला जाता है, हाँ बीच में पानी जाता है, प्रेशर भी कम है और बीच में पानी जाता है, वो सुबह 6 से 6:30 फिर उसके बाद जाएगा फिर आएगा तो गंदा आएगा, फिर उसके बाद 11 बजे आएगा वो भी थोड़ा साफ थोड़ा गंदा बीच में ऐसे बहुत तकलीफ है पानी के लिए, तो यही जो अच्छा करते हैं उनका ही हम लोग सपोर्ट करेंगे ना, वैसा है हम लोग वही देख रहे हैं सबको बोल रहे हैं, अभी नेता को भी बोल रहे इधर पानी की समस्या वो करेंगे करेंगे वो तो अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो कितने सालों से ये समस्या है? वही बोले ना 2017 से ही 2017 से प्रॉब्लम चालू है, समस्या है प्रॉब्लम है पानी की, सात आठ साल से पानी की तकलीफ है, 2017 से पानी की तकलीफ है। क्या तकलीफ है? सुबह पानी 6:30 तक आता है उसको चला जाता है, वो 10:30-11 ग्यारह में 5 मिनट ऐसा आता है, वो भी 10-15 मिनट पानी मिलता है कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं, हमारे घर में इतना परिवार है तो हम लोग कैसा पानी चलेगा। तो अभी इलेक्शन है लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में क्या नेता आते हैं आपके पास यहाँ पर जो है आप उनको समस्या बताती हैं कि पानी आ रहा है कि नहीं, कोई आया था? हाँ आए थे, हाँ तो लेकिन क्या अभी उनको अभी तक तो कोई आया नहीं है, लेकिन तो क्या बोले आपको पानी की इतने सालों से समस्या है? बीच में हमारे को थोड़ा आया था पानी, बीच में आते कभी नहीं आता है। दक्षिण मध्य मुंबई में जब हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है जब तक यहाँ पर पानी की समस्या खत्म नहीं होती तब तक हम इस लोकसभा चुनाव में हम वोट करने नहीं जाएंगे, ऐसे में लगभग 7 सालों से यहाँ पर पानी की समस्या बनी है, कुछ समय के लिए जब यहाँ पर सुबह के समय पानी आता है वो भी पूरी तरीके से गंदा पानी आता है और उस पानी से यहाँ पर जो बच्चे पानी पीते हैं उस पर कई तरीके की बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं, ऐसे में इन्होंने बीएमसी और लोकसभा चुनाव के जो भी कैंडिडेट हैं और जो भी उम्मीदवार हैं उनको कहा है कि जब तक आप हमें पानी की सुविधाएं नहीं देते हैं तब तक हम आपको वोट नहीं करेंगे और इस समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ की जनता लगातार जो है नेताओं से ये अपील करती हुई नजर आ रही है। मुंबई से राहुल शुक्ला 24 न्यूज़।